झारखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सूबे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होती जा रही है। बीजेपी जेएमएम पर आदिवासियों को धोखा देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं अब जेएमएम और कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त से बीजेपी की शिकायत की है और साथ ही सोशल मीडिया के दुरुपयोग की शिकायत भी की गई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। पहले चरण में 30 नवंबर को 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा दो दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे थे। इस दौरान जेएमएम और कांग्रेस के कई नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें बीजेपी की शिकायत की गई। आरोप लगाए गए कि बीजेपी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है, जिसमें जेएमएम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, जेएमएम ने राम मंदिर के प्रचार को लेकर भी अरोड़ा से शिकायत की कि बीजेपी के केंद्र और राज्य के मंत्रियों के अलावा पार्टी के स्टार प्रचारक अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की स्वीकृति आदेश को अपने राजनीतिक उपलब्धि बता रही है। दरअसल एक दिन पहले जब अमित शाह लातेहार आए थे, उस वक्त उन्होंने राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले को भुनाते हुए बीजेपी की जमकर तारीफ की थी, जबकि कांग्रेस को कोसा था। वही शिकायतों वाली इस फेहरिस्त में बीजेपी पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया। जेएमएम ने कहा कि चुनावी मौसम में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 47 पदों की बहाली के लिए सूचना प्रकाशित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वन अधिकार कानून में किए गए संशोधन को वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये सब मतदाताओं को रिझाना नहीं हुआ तो क्या हुआ। इसके साथ ही जेएमएम ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो बीजेपी के खिलाफ कोई कदम उठाए, तो विपक्षी दलों की शिकायत पर अब चुनाव आयोग कोई निर्णय लेता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।